से बुरे दौर में पाकिस्तान, खौफ में डूबे इमरान। पाकिस्तान में खौफ, कोरोना से बर्बादी का खौफ। हमें सिर्फ जो खतरा था वो ये कि वो इतनी तेजी से ना बढ़े कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जगह खत्म हो जाएं और जो बिस्तर हमने खास तौर पे कोरोना के मरीज जिनको शदीद बीमारी होती है उनके लिए जो रखे हुए हैं वो सारे बिस्तर ना खत्म हो जाएं। पाकिस्तान में खौफ, परमाणु बम छिनने का खौफ। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ किसके लिए? अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। हमारे पास एक ऐसी चीज है और वो है हमारा एटम बम। अर्थव्यवस्था बर्बाद होने का खौफ। वफाकी हुकूमत समझती है ये जो चैलेंज है ये लंबा है, हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भारत के भीषण हमले का खौफ। पीओ के हाथ से जाने का खौफ। खौफ से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली है पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान बड़े बड़े वादे कर सत्ता में तो आ गए लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे। ऐसे में कोरोना काल इमरान सरकार के ताबूत में आखिरी केस साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि ऐसे 5 खौफ हैं जिन्होंने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है और अब तो पाकिस्तान के एटम बम को भी खतरे में बताया जा रहा है। कोरोना काल पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है लेकिन नापाक मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कोरोना काल किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक ऐसा सपना जो जागते सोते हमेशा उनको बेचैन रखता है। कोरोना को पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा और रही सही मुसीबत पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद सख्त हुए हिंदुस्तान ने बढ़ा दी है जिसकी वजह से इमरान खान खौफ में है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इमरान खान के वो 5 खौफ जिन्होंने उनकी नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में कोरोना के संक्रमण और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इमरान के लॉकडाउन खोलने के फैसले के बाद कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की पहले से ही बर्बाद इकोनॉमी कोरोना काल में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इधर भारत में आतंकी हमलों के बाद इमरान खान को भारत के बड़े हमले का डर भी सता रहा है। अब तो इमरान खान के पूर्व साथी जावेद मियांदाद ने इस बात का डर भी जाहिर किया है कि मुल्क का एटम बम तक छिन जाएगा। और इमरान खान का सबसे बड़ा डर यह है कि जिस तरह से वो लगातार कोरोना काल में फेल साबित हुए हैं, फौज इमरान खान को सत्ता से बाहर भी कर सकती है। पाकिस्तान में तो ये पुरानी रेसिपी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, उस समय भारत को दुश्मन दिखा करके और भारत के साथ इंटरफेयर करके अपने देश के अंदर अपना पब्लिक ओपिनियन को बढ़ाना और अपने देश के अंदर जो कमी है उनसे अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मेरे विचार से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस दौरान अपनी जो एडवेंचरिज्म है इसको कम नहीं करेगा क्योंकि इट इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अभाव में रहने की आदत है। कोरोना तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत साबित ही हो रहा है लेकिन इमरान खान को बड़ा खौफ इस बात का सता रहा है कहीं आतंकी हमलों से नाराज भारत पाकिस्तान से बालाकोट से भी बड़ा बदला ले। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण को याद करके जो कुछ कहा उससे इमरान खान की चिंता और बढ़ गई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 1998 में पोखरण परीक्षण ने यह भी दिखाया कि एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व किस तरह का फर्क ला सकता है। इमरान खान को भी सबसे बड़ा खतरा भारत के नए नेतृत्व से ही है जो पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाने के लिए तैयार है। और सिर्फ इमरान खान ही क्यों, पूरे पाकिस्तान को न्यू इंडिया से डर लगता है। यही वजह है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों और भारत की कार्रवाई में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने आसमान में गश्त बढ़ा दी है, कहीं भारत फिर से एयर स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान को इस बात का डर भी सता रहा है कहीं जिस एटम बम पर वो इतराता है वही उससे न छिन जाए, और ये डर सामने आ रहा है पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बयान से। क्या छिन जाएगा पाकिस्तान का एटम बम? मियादाद मांग रहे हैं बम बचाने के लिए भी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद के मुताबिक मुल्क पर बढ़ते कर्ज की वजह से उनके एटमी हथियार तक खतरे में है, और अगर पाकिस्तान IMF जैसे संगठनों का कर्ज नहीं चुका पाया तो वो उनसे उनका एटम बम ले जाएंगे। इतना ही नहीं, मियादाद ने इस कर्जे को चुकाने के लिए एक बैंक अकाउंट भी खोल लिया है और उसमें लोगों से पैसा जमा करने की अपील कर रहे हैं। मियादाद ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया, आप भी सुनिए मियादाद का प्लान क्या है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, और भीख मांग रहा हूँ किसके लिए? अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। और भीख आप ना समझे मगर एक एक तरीके से चैरिटी, मैं एक अकाउंट जो है वो खुलाऊंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो अकाउंट खुलेगा और वो इंटरनेशनल अकाउंट होगा। और मैं आपको यानी के भल से ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस अकाउंट में से ये मेरे नाम पे होगा, मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। और ये पैसा जो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि ये पैसा IMF का जो हमारे ऊपर लोन है इससे हमने उतारना है। मियादाद यहीं पर नहीं रुके, वो वीडियो में आगे कहते हैं अगर आज पाकिस्तानी जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा साथ दिया, अब मुझे बहुत कुछ ऐसे नजर आ रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपसे वन टाइम पैसा नहीं मांग रहा, मैं चाहता हूँ हर महीने अगर आप $1, $5, $100 जितने भी जो लोग हैं, देखिए अभी हमने डैम का भी पैसा इकट्ठा किया था, हो ही जाता आप लोगों से। हमारे पास एक ऐसी चीज है और वो है हमारा एटम बम, और अगर आज हम दोबारा IMF या इनसे पैसा मांगने जाएंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर से खत्म करवा के शर्त मानेंगे। तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के लोग अब बम बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। एक दो नहीं, ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से इमरान खान के साथ साथ पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफ में चल रहा है। और पाकिस्तान की आवाम के लिए दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इमरान खान के पास अपने और अपने मुल्क के लोगों के इस खौफ को खत्म करने का कोई तरीका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।